दरभंगा बाजार में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। दरभंगा में नए इलाकों में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी। दरभंगा के आधा दर्जन पंचायतों में शिक्षा भर्ती में हुई धांधली। 1360 पदों में 443 शिक्षकों के पद रह गए खाली। दरभंगा में अपहरण व हत्याकांड में 3 को श्रम आजीवन कारावास। दरभंगा में चार पहिया वाहन की चाहत में गर्भवती नव विवाहित की हत्या, मामला हैरान करने वाला। रक्तदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर आए आगे। उत्तर बिहार में 4 बच्चों के साथ मां समेत 15 लोगों की डूबने से मौत। चोरी मामले में पुलिस ने दरभंगा में की छापेमारी। बिहार महिला पुलिस ने थाने में कराई शादी, सोशल मीडिया पर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब खबर विस्तार से। दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। बिहार के नगर निकायों में 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था सीएम नीतीश कुमार ने की है। अब जरूरत है कि पंचायतों में भी इसे लागू किया जाए, ये बात पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कही है। दरभंगा में नए इलाकों में तेजी से फैल रहा बाढ़ का पानी। कलकल की आवाज और नदियों का शांत स्वभाव सबको भाता है, लेकिन जब नदियां उफनाने लगती है और उग्र रूप धारण कर लेती है तो चारों ओर तबाही का मंजर नजर आता है। जिले से होकर गुजरने वाली बागमती, कमला, कोसी व इसकी उपधारा उफनाई हुई है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा रखा है। दरभंगा के आधा दर्जन पंचायतों में शिक्षा भर्ती में हुई धांधली। 1360 पदों में 443 शिक्षकों के पद रह गए खाली। पंचायत शिक्षक नियोजन सोमवार को जिले के 1.5 दर्जन प्रखंड मुख्यालयों में देर शाम तक चली। शिक्षक नियोजन के लिए शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन ने कई स्तरों पर कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी, जिससे कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं बचे। पहली बार परीक्षा की भांति अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग केंद्र में प्रवेश के लिए समय निर्धारित था। दरभंगा में अपहरण व हत्याकांड में 3 को श्रम आजीवन कारावास। द्वितीय अपर व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने अपहरण कर युवक की हत्या मामले में 3 आरोपितों को श्रम आजीवन कारावास सजा सुनाई है। याद रहे कि 24 वर्षीय राहुल कुमार की हत्या लहरियासराय थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय दोनार की गली में अपहरण पश्चात चाकू से गोद कर दी गई थी। घटना के दूसरे दिन युवक का शव बरामद किया गया था। घटना के प्राथमिकी युवक के पिता रोहित कुमार दास ने लहरियासराय थाना में कांड संख्या 34/18 के तहत 31 जनवरी को दर्ज कराई। दरभंगा में चार पहिया वाहन की चाहत में गर्भवती नव विवाहित की हत्या, मामला हैरान करने वाला। बिहार के कमतौल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चार पहिया वाहन की चाहत में ससुराल वालों ने नव विवाहित की हत्या कर दी गई। लड़की के सौजनों का आरोप है कि वाहन खरीदने के लिए 4 लाख रुपए देने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। बताते चले कि कामतौल रेलवे स्टेशन रोड निवासी आशीष कुमार गुप्ता की पत्नी राखी देवी 22 वर्षीय की हत्या दहेज के लिए कराने का आरोप लगाया है। वह गर्भवती थी। महिला के शव को कामतौल पुलिस ने उसके कमरे से बरामद कर। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। रक्तदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर आए आगे। कोरोना संक्रमण के दौरान ब्लड की कमी कई संस्थाओं को नजर आई। कई पीड़ित व्यक्ति ब्लड को लेकर ब्लड बैंक डीएमसीएच से लेकर अन्य अस्पतालों में परेशान रहे थे। इन सब समस्याओं को देखते हुए चित्रांत सेवा समिति ने निर्णय लिया था कि कुछ व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट करें ताकि वक्त आने पर किसी की जान बचाई जा सके। उत्तर बिहार में 4 बच्चों के साथ मां समेत 15 लोगों की डूबने से मौत। उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मोतिहारी, मधुबनी और बेतिया में सोमवार को डूबने से 15 लोगों की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक हादसा समस्तीपुर के बिथान में हुआ, जहां एक महिला और उसके 4 बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं मोतिहारी के राजेपुर और चिरैया में डूबने से 2 किशोर सहित 6 लोगों की मौत हो गई। इधर दरभंगा में 2 और मधुबनी व बेतिया में 1-1 की डूबने से मौत हो गई। चोरी मामले में पुलिस ने दरभंगा में की छापेमारी। मुंबई से करोड़ों रुपए की जेवरात चोरी मामले को लेकर पुलिस सोमवार को दरभंगा आई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनकी ओपी क्षेत्र का एक चोर मुंबई में काम करता था। उसने अपने सहयोगियों के साथ करोड़ रुपए के जेवरात चोरी कर भाग गया। इस मामले में सदर SDPO अनुज कुमार ने मुंबई आई पुलिस टीम के साथ कई जगहों पे छापेमारी की। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। बिहार महिला पुलिस ने थाने में कराई शादी, सोशल मीडिया पर दोस्ती प्यार में बदल गई।
नवादा में पुलिस ने प्रेमी जोड़े को महिला थान में बुलाकर शादी करवा दी। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर लड़के के घर वालों को नोटिस देकर बुलाया था। जब लड़के ने शादी से इनकार किया तो उसे हवालात में बंद कर दिया गया। एक दिन हवालात में रहने के बाद लड़की और उसके घरवाले को दिमाग ठिकाने लगा। वे शादी करने को तैयार हो गए। इसके बाद थाना में ही दोनों की शादी करा दी गई। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।